करते हुए कहते हैं कि विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल है। नंबर दो कहते भी जी जागृति का दीपक है उन्होंने अखंड जलाई रखो, वो जागृति का दीपक अखंड जलाई रखो। तो अज असी देखते हैं बाबा साहब और बाबा साहब के नाल सहयोगी जड़े से उन्होंने इस देश के गुलामी के रह के इस देश के संविधान लिख के देता, तैनू हक और अधिकार लिख के दते और संविधान लागू होने तो बाद की असी कुछ संभाल सके? असी बिल्कुल कुछ नहीं संभाल सके। तो क्यों नहीं संभाल सके? क्योंकि असी अपनिया खेमिया के बज के रह गए और ब्राह्मणवादी ताकतों का बहुत बड़ा रोल है बे इन्हों लोगों जात के इन्हों प्रोपेगेट किया जाए, चमार नु प्रोपेगेट किया, वाल्मीकि प्रोपेगेट किया जाए और जाति के गर्व महसूस किया उन्होंने लोगों ने। तो जो तक साथियों असं उस जातों के निकलते नहीं, एक समाज का निर्माण नहीं करते, वो तक असं इस देश की सत्ता से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सत्ता सबनों प्यारी लगती है, पोलीटिकल पावर इज द की ऑफ एवरी प्रॉब्लम बाबा साहब ने कहा, पर बाबा साहब ने नाल कहा विचार परिवर्तन हर परिवर्तन का मूल है। विचार अगर तुहाडे परिवर्तन नहीं होंदे तुसीं कदी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकते, समाज निर्माण नहीं हो सकता, तुसीं इस देश की सत्ता ते काबिज नहीं हो सकते। और समाज नूं निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो किस तरह ये बाबा साहब ने राष्ट्रपति ज्योतिराव ने इस देश के जाति पाति सिस्टम तहस नहस करन लई अंदोलन चलाए और अंदोलन नूं किदां दुश्मन ने मतलब उन्हों हाईजैक किया, किदा उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, एक इतिहास के बहुत कुछ दर्ज है। तो मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जाता, आर्या समाज मूवमेंट जी चली आ वो ऐसी ऐसी लोगों के विरोध के गई। 1873 के सत्य संशोधक समाज की स्थापना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले करते हैं, जदों अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी लोगों के अधिकार की मांग करते हैं, और जदों साहू जी महाराज भास्कर राव यादव जी माध्यम तो साउथ ब्रॉक कमीशन के अगर अपनी मंग रखते हैं बे जे कानून घड़नी सभा आ विधिमंडल आदे भी लोग होने चाहिए आ। 1857 की लड़ाई, 1857 का पहला आजादी का अंदोलन जिन्हों कहा जाता, वह अंदोलन पेशवा अंदोलन से। 1954 के चार विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने खोले, 1954 के कलकत्ता मद्रास और बंबे के चार विश्वविद्यालय खोले और एससी एसटी लोगों कहा विश्वविद्यालय अधिकार एजुकेशन लैन का तुम्हें अधिकार है, तुम पढ़ सकते हैं। वो पर 1957 के उन्होंने देखा बे जिन्हों लोगों असं एक अक्षर का ज्ञान नहीं देना चाहते, उन्होंने लोगों ने अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय खोल दिते, अगर ये लोग जागृत हो गए ये अपने जागृत हो अपने हक और अधिकार की गल करे और ये गुलामी के खिलाफ गल करे। तो 1857 के जुंडली ने 1857 जो आजादी का अंदोलन कहते हैं वो अंग्रेजों को भजाने का अंदोलन से, ताकि एससी एसटी ओबीसी लोगों इस देश के गुलाम बना के रख सकी। तो ये जी लड़ाई है संघर्ष है, दुश्मन तैनू हक और अधिकार देना नहीं चाहता, तुम हक और अधिकार लेना चाहते हो, तैनू हक अधिकार तो वांझे रखने इस देश के एल पी जी लागू की है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मतलब निजीकरण आधारीकरण भूमंडलीकरण, वो जरा मॉडर्न मनुस्मृति आ जिस रिजर्वेशन के जो बलते अज असी दुश्मन चैलेंज करने की ताकत रखते हैं, उस एजुकेशन उस रिजर्वेशन खत्म करने मॉडर्न मनुस्मृति एल पी जी लिया। एल पी जी जी तुहाडे सरकारी अदारियां निजीकरण के कन्वर्ट करने की प्रोसैस आ, उस करके अज साडे चेहरे ते नूर आया, वोद करके सूँ बोलने की आजादी मिली है, वोद करके एजुकेशन मिलने करके और नौकरियां करके अज असी बाबा साहब के समागम और बाबा साहब की गल कर जोगे हुए हैं। पर दुश्मन चाहता भी इन्होंने लोगों की एजुकेशन खो ली जाए और जोड़े लोग एजुकेशन लैन के कैपेबल इकोनॉमिक फैक्टर अटैच कर दिता, ताकि रिजर्वेशन कायम है, तुम्हें डॉक्टरी की सीट है ना 8 लाख रुपया लगेगा, साढ़े लोग जोड़े लेबर क्लास लोग है वो 8 लाख रुपए देने दे समर्थ ही नहीं होंगे, और इतों तक करते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट बना के एससी के जोड़े रिजर्व कोटा खा जाते हैं। हूँ ये मतलब सेंटर के पार्लीमेंट के चीज़ आई है भी एससी एसटी सर्टिफिकेट बना के इन्होंने लोगों ने एससी एसटी ओबीसी लोगों दिए रिजर्व सीटा से उन्होंने हड़प्पया। तो साथियों ये युद्ध है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जोड़ा संघर्ष विड़िया, वो कहते भी संघर्ष जोड़ा शूदर अति शूदर बनाम सेठ जी भट्ट जी संघर्ष है। तो
तो उस संघर्ष को चालू रखना होगा। दुश्मन तैनु कुछ नहीं देने लगा जो तक तुसी अपने लोगों अंदोलन लामबंद नहीं करते, अंदोलन लिए प्रेरित नहीं करते, तैनु कुछ भी मिलन लगता नहीं मिलन वाला। कुछ लोगों भुलेखा भी असं वोट पाउण दे नाल इस देश दे विच मतलब अपनी सत्ता ले आवेंगे। साथियों बहुत बड़ा भुलेखा, वोट 5 साल बाद पैंदी आ, तैनु 5 साल काम करना पेगा, दिन रात करना पेगा। और जिते जिते भी आजादी मिली आ वह वोट दे नाल नहीं मिली, अंदोलन दे नाल मिली आ। 2 सितंबर 1946 जवाहर लाल नहरू इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया कि वह वोट के सिर पर बनया। उन्होंने अंदोलन किया, अंग्रेजों ने गद्दी खाली की, जवाहर लाल नहरू आजादी तो पहले इस देश का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। और अगर तुम इस देश के मतलब कुछ करना चाहते हो तो वोटों के टेक मत रखो, अंदोलन एक हल है जोड़ा तुम इस देश की सत्ता से पहुँचा सकता। तो सत्ता जोड़ा 5 साल बाद रिजल्ट आता वो तुम 5 साल की काम किया वह रिजल्ट तुम दिखाई दिता। 5 साल तक असं कुछ नहीं करते, अं सुते रहते अपने घर, लोगों के जाके बाबा साहब मिशन का प्रचार प्रसार नहीं करते, असं अपने अंदोलन मजबूत नहीं करते। तो इस करके 5 साल बाद रिजल्ट जोड़ा सा हार के कन्वर्ट हों, और हार जी 5 साल अपनी किस्मत का फैसला असं अपने विरोधियों के हथ दे दें। तो 5 साल एक प्रोसैस है, वो प्रेस में जारी रखो, वोट डेमोक्रेटिक प्रोसैस है, पर तैनु अंदोलन का रास्ता अपना पेगा। जो तक तुम अपने अंदोलन कामयाब नहीं करते, अंदोलन जन अंदोलन के नहीं कन्वर्टते, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं अपनी आस उस भरोसे भी तुम मतलब महापुरखों के चलाए हुए रास्ते से चलोगे, और जेडे लोग जन अंदोलन चला रहे उन्होंने लोगों का साथ सहयोग देवोंगे, वो अपनी श्रम पैसा पैसा बुद्धि श्रम हुनर और सरपंच चीज़ा जी अंदोलन लाओगे। इस आस उस भरोसे मैं अपनी गल समाप्त करता हाँ। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। क्रांति टीवी चेयरमैन छिंदा कौलधार जी, क्रांति टीवी तो सच की आवाज़ क्रांति टीवी वालों लाइव कवरेज इस प्रोग्राम की की जा रही है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति टीवी। परम सत्कार जो पंडाल च बैठे वीरो भैनों भरावो बजुर्गो सारियां अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 126वें जन्मदिन दी लख लख मुबारक। ओ मालक बनिया अज मरबियां दा हे 2 इंच दा दावेदार नहीं सी, ओ मिनिस्टर बन के अज सलूट लैना, ए तेरा किते कोई मान सत्कार नहीं सी। ए लाल भीमा दा बांझे ना फड़दा, लाल भीमा दा बांझे ना फड़दा, ए बेड़ा कौम दा नहीं सी पार होना, ए बाबा साहब अंबेडकर दा कर्ज दुखिया, ए सत्ता पीढ़ियां तो नहीं उतार होना। ए चेते रखी अफसर बनाया किसने, अफसर बन के किते ना भूल जावी, चेते रखी अफसर बनाया किसने, आ तेरे सिर तो टोकरा गंद वाला, ए याद रखी परा हटाया किसने। जे तू भीम दा ना सत्कार कीता ता फिर तेरा भी नहीं सत्कार होना, ए बाबा साहब अंबेडकर दा कर्ज दुखिया, ए सत्ता पीढ़ियां तो नहीं उतार होना, ए महाबली नडर बेखौफ जोदा, ए कल्ला ही लखां दे नाल टकरा गया, महाबली नडर बेखौफ जोदा, ए कल्ला ही लखां दे नाल टकरा गया। ओ पैर रख मनू दी हिक उत्ते, अपने पैरां दी धूड़ बना गया, ओ जेड़ी तलवारां नाल ना गल बनी, ये गल कलम दे नाल बना गया। ये गल ते सारा जग जानदा है,
कदे साडा भी इत्थे सी राज हुंदा आदिवासी हां भारत दे असी वारस ते बड़ा अपने ते सी सानू नाज हुंदा आरिया नस्ल जे भारत विच ना बढ़दी ए साडा कदे ना राज बर्बाद हुंदा डंग मारिया बुकल दा सप बन के भविष्ण वर्गा ना कोई गद्दार होना बाबा साहब अंबेडकर दा कर्ज दुखिया ए सत्ता पीढ़ियां तो नहीं उतार हो ओ कल तक सी जीरो दोस्ता कल तक सी जीरो दोस्ता अज हीरो किता हो गया एह किरपा बाबा साहब दी इंसान विच खलो गया ओ कल तक सी जीरो दोस्ता अज हीरो किता हो गया किरपा बाबा साहब दी इंसान विच खलो गया कल तक सी जीरो दोस्ता पैगंबर औलिए लखा ही आके तुर गए ना बदल किस्मत कौम दी कतरा के कन्नी तुर गए अपने लिखा दी मैल अपने लिखा दी मैल दस केड़ा आके तो गया इंसान विच खलो गया कल तक सी जीरो दोस्त कल तक सी जीरो दोस्त कल तक सी जीरो दोस्ता।